वैसे तो हम प्यार से उसे 4G गर्ल या फिर पिक्सी कट गर्ल बुलाया करते थे, और वो अपने आप को शॉर्ट रिबेलियन कहती थी। शायद उसका कारण ये था कि रिबेलियन उसकी सोच थी ही, हाइट थोड़ी शॉर्ट थी और हेयर शॉर्ट थे प्रोबेबली इस वजह से। बट हाँ, उसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी थी, अपनी पर्सनालिटी थी, अपनी बात रखना उसे आती थी, उसके अंदर वो मैच्योरिटी थी, उसको देख के दूसरे लोग इंस्पायर हो, ऐसी कम्युनिकेशन थी, और साथ ही साथ उसका नॉलेज भी बहुत ही कमाल का था जी। एक आखिरी बार आपकी मुलाकात हुई थी उसके बारे में बताइए, मुलाकात किस बारे में बात हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? हम आखिरी बार कॉलेज के बाद एक बार मिले थे, तो ऑफकोर्स जब आप मिलते हो तो आप अपने काम वगैरह के बारे में बात करते हैं, प्रायोरिटीज़ आपकी, जिम्मेदारियाँ आपकी बदल चुकी होती हैं। तो ऐसे में उन्होंने हमसे एक सवाल किया, हमने भी उनसे किया कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, तो हमें पता चला उनके बारे में। तो हमने कहा यार आपकी तो सोच थी कि आप मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने सेम सवाल हमसे पूछ दिया। तो हमने कहा हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से हमें करना पड़ रहा है। तो वो भी यही सेम आंसर दिया। तो हमने कहा यार आप तो इंडिपेंडेंट हो अपनी लाइफ में, आपकी सोच रिबेलियन वाली है, और कहीं ना कहीं हम सब आपसे इन्फ्लुएंस होते थे, जो आपकी सोच आपके अपने सपनों के प्रति रही है, तो ऐसे में आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी? तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया था मुझसे कि बहुत जिम्मेदारियां हैं, तुम नहीं समझोगे, एक छोटी सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा था। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.